हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्मा। सो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो का पार्ट 3 जो कि है हैवी शैम्पूइंग एंड डीप हेयर डंक। लेकिन फ्रेंड, अगर आप लोगों ने वीडियो का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लीजिएगा। वो वीडियो काफ़ी अच्छी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी ऑयलिंग वगैरह की है मैंने, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, तो आप आगे मैं बताती हूँ कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ऑल पे बेल आइकन का दबा के। तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरे ऑयल वाले हेयर हैं, इसको मैं डंक कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले मैंने 3-4 बार ट्राई किया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इतना डीप रंग। आप लोगों पहले की मेरी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि मैं बकेट में, बाल्टी में, छोटी बाल्टी में करा करती थी डंक, और इसमें मेरा पूरा फेस भी नहीं भीगता था, लेकिन इसमें बिल्कुल नेक तक डीप डंक हो रहा था मेरा हेड। तो थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में टास्क लगा, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद मैंने कर लिया थोड़ी हिम्मत कर करके। एंड इसके बाद फ्रेंड, जितनी वीडियो आगे जाएगी उतनी ही होल्डिंग टाइम में अपनी बढ़ाती जाऊँगी, तो ये बात आप नोटिस कर सकते हो। और मेरा थोड़ा डर भी निकल गया था उसके बाद, मेरी वीडियो ख़त्म होते ही मेरा डर निकल गया था। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बड़ी है, लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैंने एंगल वगैरह भी चेंज किए हैं एंड मैंने हैवी शैम्पूइंग भी की है, कॉम्बिंग भी की है एंड वाटर को चेंज कर करके मैंने डंक किया है। तो चलिए वीडियो को ओरिजिनल साउंड में एंड बेस्ट सनलाइट में शुरू करते हैं।
स्टार्ट है है ना। अब तो आवाज बंद करनी पड़ेगी इसकी। क्यों? आवाज वीडियो और भी तो कई जगह आ गई है। कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है ना, अपने आप बंद करेगा नहीं करेगा। उसकी इच्छा है, बंद करेगा नहीं करेगा। तुम म्यूट कर देना ना आवाज, बीच के तो मत म्यूट ही कर देना। हां बीच बीच कर दूंगी। हां
Thank you.
Thank you.
अरे हमारे पैर में दर्द होता है, दर्द होता है, अरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में बड़ा हुआ ना वो लगता है इतना बड़ा समय से पहले बड़ा हुआ है साला उम्र छोटा जा रहा है उसका समय से पहले ही बड़ा हुआ है हां क्या हारो जाने एक साथ कैसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया यार मुझे आगे वो भी छोटा लगता है वो मामा बन गया जरा से उसका जरा दाढ़ी मुंह आ जाए ना अभी ऐसा लगा वो कितने उम्र है उसके हैं साला पास से दूध लो बादाम लो सो फिर यहाँ पे मेरा शैम्पिंग वगैरह हो चुकी है एंड डंक वगैरह हो चुका है बहुत टाइम एंड आप लोगों ने वैसे देखा होगा कितने टाइम किया है मैंने शैम्पू एंड डंग जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी वो बता सकती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं कि मैंने कितनी बार शैम्पू किया अपने हेयर में या कितनी बार डंग किया है तो मैंने ये लास्ट टाइम एक बार और करने वाली हूँ मैं यहाँ पर डंग यहाँ पर मैंने बन बनाया है वेट हेयर में बहुत बार शैम्पू करने के बाद में एंड डंग करने के बाद में क्लीन हेयर में तो इसे मैं ओपन कर लूँगी टब के अंदर जाते ही मेरे हेयर ओपन हो जाएंगे एंड सिल्की शाइनी हेयर बाहर आने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए एंड जो बेल आइकन से दबा लीजिएगा ऑल पे करके ताकि इस टाइप की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड सबसे पहले आप देख पाएँ एंड प्यारा से कमेंट करना ना भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय फ्रेंड बाय।